हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पॉकेट। पॉकेट आप किसी भी बनी हुई पजामी में, प्लाजो में या सलवार में बना सकते हैं। जिसमें भी पॉकेट आप लगाना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से ये पॉकेट लग जाती है। फ्रेंड्स, आजकल पॉकेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप पॉकेट को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम पॉकेट को लगाना। यहाँ पर देखिए, कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया 8 इंच कपड़े को, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड किया है, और फोल्ड कर मैंने यहाँ पर लिया है 9.5 इंच। पॉकेट का साइज़ छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। कपड़े को हम खोलेंगे और खोलने के बाद ऊपर से लेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से लेंगे हम 1 इंच और ऐसे ही सीधा निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये देखिए, अब साइड से लेंगे हम यहाँ पर पॉकेट, बीच में पॉकेट हाथ जितना चाहिए आपको ओपन, उसी तरीके से आप रख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.75 इंच के करीब लिया। देखिए, यहाँ पर 1.25 इंच मैंने यहाँ लिया और 1.25 इंच मैंने ऐसे लिया। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर ये सेंटर से निशान लगाएंगे, 1/2 इंच का, 1 इंच लिया था, यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए, जिस भी पजामी, प्लाजो या सलवार जिसमें भी लगाना चाहते हैं उसमें आप लगाएंगे। यहाँ पर मैं राइट साइड में लगा रही हूँ, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट साइड में पॉकेट को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने पॉकेट वाले कपड़े को ऐसे रखना है, और जो हमारा नेफा है, नेफे की सिलाई, उससे आपने 1/2 इंच ऊपर की तरफ कपड़े को रखते हुए इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर मेरा कपड़ा पतला है, तो मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसे सेट कर लेती हूँ पहले। और पिन लगाकर अगर आप सेट करेंगे तो आप भी आसानी से इसे सिल सकेंगे। ये देखिए, अब देखिए इसे हम सिलाई करेंगे। जैसे हमने बॉक्स बनाया है, सेम इसी तरीके से ही आपने इस पर सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए, पिन को हम निकालते जाएंगे और 1/2 इंच जो हमने छोड़ा था उसको छोड़ते हुए आपने अब कपड़े को इस तरीके से घुमा लेना है। कपड़ा तभी आपने घुमाना है तब आपकी नीडल मशीन के अंदर होगी, तभी आपने कपड़े को हिलाना है। ये देखिए, सिलाई लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, आप इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पर जो हमने निशान लगाया, इसी निशान पर से हम एक कट लगाएंगे छोटा सा। यहाँ से कैंची से आपने अब सेंटर से कट कर देना। ये देखिए, ये देखिए, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही आपने यहाँ पर कट करना है। दोनों साइड ही आपने इसी तरीके से कट कर लेना है। इस पॉकेट को अब हम अंदर की साइड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को कर लेंगे और इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन कर इसे हम सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे आयरन कर लिया है हमने। अब आप इसे, ये देखिए, ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेट करेंगे। अब इधर भी हम पिन लगाकर इसे सेट कर लेंगे, फिर हम इसे सिलेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लाइनिंग का कपड़ा, ये पतला कपड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसे सेट करूँगी और फिर इसे हम सिलेंगे। अब देखिए, आपने सिलाई कैसे लगानी है, ये देखिए, इसके बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। जो हमारी पॉकेट है, इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। पिन को आप निकालते जाएंगे, अगर कपड़ा बाहर है तो आप पिन से इसे इस तरीके से सेट करेंगे और फिर आप मशीन को चलाएंगे।
पिन को निकाल देंगे और फिर हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सिल लिया है। अब आपने पॉकेट को इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है और इसे इक्वल कर देना है। इक्वल कर आपने साइड में से सिलाई लगाना है। इसे सिलाई कैसे लगाएंगे ये देखिए। आपने सीधी सिलाई लगा देनी है साइड से ही। देखिए नीचे से कपड़ा हमारा फोल्ड है। इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया ये देखिए। अब देखिए ऊपर वाला कपड़ा, या तो आप इस वाली सिलाई को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस कपड़े को अंदर करेंगे और फिर आप सिलाई लगाएंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसे आप फोल्ड करेंगे और जो हमारी ये सिलाई है इसी सिलाई के थोड़ा सा ऊपर रखते हुए आपने कपड़े को सेट करना है और फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को रखना है। ये देखिए जो हमारी सिलाई है इसे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। राइट साइड को रखते हुए आपने कपड़े को ये देखिए ऐसे सिलाई लगाना है नेफे के ऊपर ऊपर। जो हमारी सिलाई पहले थी उसी पर ही लगानी है आपने सिलाई। ये पॉकेट बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही आसान है ये पॉकेट। ये देखिए साइड में जो पॉकेट बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हम फ़ोन रखते हैं कुछ रखते हैं तो वो स्लिप होकर बाहर आ जाता है। ये वाली पॉकेट से सामान आपका स्लिप नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी पॉकेट है। ये देखिए बहुत ही सेफ पॉकेट है। ये देखिए फ़ोन को रखते हैं तो ये स्लिप होकर बाहर आ जाता है, तो ये ऐसे नहीं आएगा। आप ये वाली पॉकेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।